अगली खबर है यूपी से, जहां अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। जी हां, खबर है यूपी के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत असराही गांव में एक घर से प्रतापगढ़ पुलिस व एटीएस के जॉइंट ऑपरेशन में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। सोलिन अंसारी उर्फ बबलू के घर में काफी समय से चलाया जा रहा था अवैध असलाह फैक्ट्री। मौके से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ 2 पिस्तौल, 2 तमंचे, 2 रिवॉल्वर, 300 कारतूस व 17 अर्धनिर्मित असलहे, एक व्यापार स्तर पर अवैध असलाह बनाने के उपकरण बरामद किए गए। इस असलाह फैक्ट्री के आसपास के जिलों में असलाह बेचा जाता था। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की यह रिपोर्ट। आज थाना लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत जनपद प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ पुलिस और एटीएस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एटीएस की सूचना पर एक अवैध असलहे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। यहाँ से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 2 पिस्तल, 2 तमंचे, 2 रिवॉल्वर और 17 अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए गए हैं। इनमें से लेंथ मशीनें, ड्रिल मशीनें और जो भी एक अवैध असलहे की फैक्ट्री के अंतर्गत व्यवस्था रहती है उसको निर्माण करने की, उस सारे उपकरण बरामद किए गए हैं, जनरेटर बरामद किया गया है। और इस संदर्भ में जो 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से मुख्य आरोपी सवालीन अंसारी है, जिसको बबलू के नाम से भी जाना जाता है, जो पिछले 4-5 सालों से इस अवैध असलहे की फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो इसके लिंकेज भी चेक किए जा रहे हैं और इनके जो अन्य साथी हैं उनकी भी धरपकड़ जल्दी पुलिस करेगी। तो जैसे ये फैक्ट्री जो थी, ये सप्लाई चेन का भी मामला है, इसलिए ये तथ्य को चेक किया जाना ज़रूरी है कि ये फैक्ट्री यहीं पे एग्जिस्ट कर रही थी या इस सप्लाई हो रही थी। इन सारे बिंदुओं की पुलिस द्वारा तफ्तीश से जांच की जा रही है और आगे की जो भी विकास प्रक्रिया होगी आपको अवगत कराया जाएगा। क्या सर, और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अभी अभियुक्तों से पूछताछ जारी है और निश्चित रूप से ये किसको सप्लाई करते थे और रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, इनमें से कुछ लोग अन्य शामिल जरूर होंगे, तो उसको भी पुलिस जल्दी ही पकड़ लेगी। सभी प्रतापगढ़ के अभियुक्त हैं कि कहीं और? कुछ प्रतापगढ़ के हैं, कुछ बाहर के हैं, उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो चेक किया जा रहा है।